बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वन क्लास, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आप सब अपने साइंस के वर्क टास्क ओपन करें। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम इनके आंसर लिखेंगे और इनको याद करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा नेम फाइव पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट यू कैन नॉट सी, ठीक है। आपने पांच बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं जिनको आप नहीं देख सकते, और ये बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हमारे जिस्म के अंदर हैं, ठीक है। बाहर वाले तो हम देख सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं हम उनको नहीं देख सकते। अभी मैं उन पार्ट्स के यहाँ पे नाम मेंशन करूँगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे स्प्लीन, SPEEN, स्प्लीन, ठीक है। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि टीचर ने ये स्प्लीन लिखा है, स्प्लीन होता क्या है। आप स्टूडेंट्स आई थिंक इसका फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये स्प्लीन जो है ये इसको उर्दू में कहते हैं तिली, ठीक है। ये हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती है, ये हमारा जो मैदा होता है स्टमक, ठीक है, उसके दरमियान में होती है। अब स्प्लीन का काम क्या है, ठीक है। अब स्प्लीन क्या करती है स्टूडेंट्स, ये स्प्लीन जो है ये हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है, ठीक है। जैसे आप पानी भरते हो फिल्टर से तो आप कहते हो ना कि वो साफ़ होके निकलता है, इसी तरह से स्प्लीन जो है ये हमारे ब्लड को फ़िल्टर करके साफ़ करती है। उसके अलावा स्प्लीन की मदद से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी कुव्वत मदाफ़त जो है वो बढ़ती है, जिसकी मदद से हम बीमारियों के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो रेड सेल्स होते हैं, ठीक है, पुराने रेड सेल्स जो होते हैं हमारे, उनको जो है ये रिसाइकल करती है स्प्लीन, और वाइट सेल्स जो हैं वो इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा स्प्लीन की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से हम बचते हैं, क्योंकि ये फ़ाइट करती है बीमारियों के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से हम निमोनिया वगैरह की जो बीमारियां हैं उनसे हम बच जाते हैं। तो ये है स्प्लीन। वन क्लास अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि स्प्लीन किसे कहते हैं, तिली को, ठीक है। इसको उर्दू में कहते हैं तिली, ये हमारे जिस्म के अंदर का एक हिस्सा है। ये हो गया स्प्लीन। उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे ब्रेन, ठीक है, ब्रेन, ठीक है। ये हमने लिखा है ब्रेन वन क्लास, दिमाग, ठीक है। आप दिमाग को भी तो हम नहीं देख सकते, ये भी हमारे सर के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे किडनी, किडनी, ठीक है। ये हमने लिखा है किडनी। अब किडनी कहते हैं स्टूडेंट्स गुर्दों को, ठीक है। आप सब स्टूडेंट्स को पता है गुर्दे क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा वर्ड हार्ट, दिल, ठीक है। अब दिल को भी हम नहीं देख सकते, ये भी हमारे जिस्म के अंदर होता है, हम सिर्फ इसकी बीट को फील करते हैं, हार्ट, ठीक है। ये हमने लिख दिया हार्ट। अब जो लास्ट पे है हमारा वो है लीवर, जिसको कहते हैं जिगर, जो कि खून बनाता है, ठीक है, और फुल स्टॉप। तो वन क्लास ये था हमारा आज का साइंस का काम, क्वेश्चन नंबर वन, नेम फाइव पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट यू कैन नॉट सी। फाइव पार्ट्स के हमने नाम लिखे हैं अपनी बॉडी में जिनको हम नहीं देख सकते। सबसे पहला वर्ड है स्प्लीन, ब्रेन, किडनी, हार्ट, लीवर, ठीक है। स्प्लीन, ब्रेन, किडनी, हार्ट, लीवर, ठीक है। तो ये थे हमारे पांच बॉडी पार्ट्स, ठीक है, जिनको हम नहीं देख सकते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। आप सब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर वन को अच्छे से याद करना है और फिर इसे अपने नोटबुक में लिखना भी है। अभी आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इंग्लिश के वर्क टास्क ओपन करें।
जी तो वन क्लास आप सब स्टूडेंट्स ने अपने इंग्लिश के वर्क टास्क ओपन कर लिए हैं। वन क्लास कल मैंने आपको दिया था टेस्ट क्वेश्चन नंबर डी ई और एफ का, आज मैं आपको दे रही हूँ नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस का रिटर्न टेस्ट जो है क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर एच और क्वेश्चन नंबर आई। ठीक है, इन थ्री क्वेश्चंस का आप घर में देंगे रिटर्न टेस्ट। मैं क्वेश्चन जी पढ़ देती हूँ, वेयर डज राहिला सिट, राहिला सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री। क्वेश्चन नंबर एच इज वेयर डज द लीफ फॉल, लीफ फॉल्स इनटू अ होल। एंड क्वेश्चन आई इज व्हाट इज द डॉग डूइंग। ठीक है, द डॉग इज बार्किंग एट द कैट। तो वन क्लास ये हैं आपके थ्री क्वेश्चंस जिसका आप घर में देंगे रिटर्न टेस्ट। ठीक है, तो वन क्लास आज आपका बस यही काम था, आप सब स्टूडेंट्स ने ये दोनों काम बहुत अच्छे से करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।